गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था। अगर आपको याद हो तो फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेड बाय द टेंजेंट ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल बना था, उसका बेटा हमने एरिया निकाल लिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कर्व इज डिफाइंड ए पैरामेट्रिक पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 2t plus t square sin 1 upon t at when t is not equal to 0 and 0 when t is equal to 0 और बेटा y मुझे दे रखा है 1 upon t sin t square t when not is equal to 0 and t is when is equal to 0। बेटा मुझे निकालना है equation of tangent and equation of normal, ठीक है ना। बेटा सबसे पहले मैं निकालूंगा dy upon dx। बेटा पहली बात तो अगर मैं देखूं तो बेटा t पे मेरा function define नहीं है, देखो define नहीं है ना, t मेरा 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और बेटा मुझे जीरो पे ही निकालनी है, टेंडिंग टू जीरो, तो बेटा मैंने आपसे कहा था टेंडिंग टू जीरो होने का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मेरा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, एक्स टेंड टू जीरो है, इसका मतलब मेरा एक्स जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बेटा अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, तो बेटा मुझे इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। हमारे पास पढ़ा था हमने डिफरेंशिएशन का, क्या पढ़ा था, डी अपॉन डी एक्स डी टी इज इक्वल टू लिमिट टी गोज टू जीरो एफ टी माइनस एफ जीरो अपॉन टी माइनस जीरो, ठीक है। तो बेटा मुझे कितना मिल जाएगा, लिमिट टी गोज टू जीरो वन अपॉन टी साइन टी स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन टी। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, बेटा मुझे मिल गया लिमिट टी गोज टू जीरो साइन टी स्क्वायर अपॉन टी दैट इज वन। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, बेटा मुझे मिल गया डी वाई अपॉन डी टी, बेटा मुझे मिल चुका है वन, ठीक है। अब निकालूंगा बेटा डी एक्स अपॉन डी टी का, डी एक्स अपॉन डी टी का, तो बेटा वो कितना आ जाएगा, टू टी प्लस टी स्क्वायर साइन वन अपॉन टी माइनस जीरो अपॉन टी होगा। टी से एक टी और एक टी कैंसिल आउट, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, लिमिट टी गोज टू जीरो टू प्लस टी साइन वन अपॉन टी। अब बेटा अगर टी जीरो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बेटा टू प्लस जीरो इंटू समथिंग, ये क्या होगा माइनस वन से वन तक, तो बेटा ये पूरा क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, टू। तो बेटा मुझे डीवाई अपॉन डी एक्स कितना मिल गया, बेटा बेटा मुझे डीवाई अपॉन डी एक्स मिल गया बेटा वन अपॉन टू, कितना मिल गया वन अपॉन टू। अब बेटा देखिए मेरे पास स्लोप है, पॉइंट बोला है टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे बेटा मेरा एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, टी जीरो पे एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो बेटा मेरा पॉइंट हो गया 0,0। तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स माइनस जीरो, ठीक है ना। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करूंगा तो बेटा वो हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस जीरो इज इक्वल एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। चलिए रिमार्क पढ़ लेते हैं बेटा, अगला रिमार्क इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। फॉर कर्व x की पावर m प्लस y की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m, that equation of tangent at x1 comma y1 is x upon x1 की पावर 1 minus m plus y upon y1 की पावर 1 minus m is equal to a की पावर m, ठीक है। मतलब अगर कभी भी आपको कोई भी कर्व इस फॉर्म में दे रखा है बेटा, तो बेटा आपका सीधा आंसर ये हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपको ध्यान से देखें तो अगर मान लो मैं निकालता हूं x square प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर बेटा मुझे मान लो इस पे टेंजेंट निकालनी, तो बेटा ये सर्कल है हम जानते हैं, तो मैं क्या करूंगा x अपॉन x1 की पावर 1 माइनस टू प्लस y अपॉन y1 की पावर 1 माइनस टू, क्योंकि 1 माइनस m था इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, होगा नहीं होगा। तो बेटा a की पावर 1 माइनस टू कितना होता है माइनस वन, और बेटा माइनस वन का मतलब a x ऊपर भागे, तो मुझे क्या मिलेगा x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू x स्क्वायर ए स्क्वायर। और बेटा अगर आपको याद हो तो बेटा सर्कल के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी थी कि अगर पॉइंट मेरा सर्कल के ऊपर है तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, तो बेटा मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाती थी, याद है ना, ठीक है ना। तो बेटा देखो मेरे पास वही निकल के आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर सर्कल, ठीक है ना। तो बेटा अगर कभी भी एक्स की पावर एम है, बेटा एम मेरा कुछ भी हो सकता है, इंटीजर नॉन इंटीजर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूंगा फॉर द कर्व x की पावर 2 बाई 3 प्लस y की पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू a की पावर 2 बाई 3 x पॉइंट x1 कॉमा y1 फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्टेड मेड बाय द टेंजेंट। बेटा देखो मुझसे एग्जामिनर बोल क्या रहा है, जरा समझना। एग्जामिनर बेटा ये बोलना चाह रहा है कि भैया मेरे पास एक कर्व है सिंपल सा, कोई भी मान लो ये कर्व दे दिया, ठीक है ना, मान लो ये कर्व दे दिया, ठीक है। और बेटा इससे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ की है, ये बेटा मेरी टेंजेंट ड्रॉ हो गई, ठीक है ना। मुझे निकालना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्टेड मेड बाय द टेंजेंट, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा जो मेरे टेंजेंट ने एक्सिस पे इंटरसेप्ट मेड किया है, इन दोनों का बेटा मुझे सम निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है,
ठीक है सर, मैं ये कैसे निकालूंगा? बेटा ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपको ये निकालना हो तो बेटा सबसे पहले आप इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए, किस फॉर्म में बेटा? इसको आप निकालिए इंटरसेप्ट फॉर्म में। किसमें बेटा? इंटरसेप्ट फॉर्म में। सर इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। इधर एक्स ए क्या था? एक्स इंटरसेप्ट। बी क्या था? वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। हाँ, बी क्या था? वाई इंटरसेप्ट। ये मेरा बी है, ठीक है। तो बेटा मुझे पहले सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहली बात तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालता हूँ, क्या होगा? एक्स अपॉन एक्स वन वन माइनस टू बाई थ्री। बेटा वन माइनस टू बाई थ्री कितना दे देगा बेटा मुझे? वन बाई थ्री। एक्स अपॉन एक्स वन वन बाई थ्री प्लस वाई अपॉन वाई वन वन बाई थ्री इज इक्वल टू ए की पावर टू बाई थ्री। और बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करने के लिए अगर आपको पता हो तो बेटा मुझे इधर वन रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा? वन। तो बेटा मैं इधर वन रखूंगा और पूरे फंक्शन को ए की पावर टू बाई थ्री से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बेटा मुझे क्या मिल गया? बेटा मुझे ये फंक्शन मिल गया। अब बेटा ये मेरा क्या है? एक्स इंटरसेप्ट। ये मेरा क्या है? वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। और एग्जामिनर मुझसे सम ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, सम ऑफ स्क्वायर इंटरसेप्टेड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ मेड बाय द टेंजेंट, आगे लिख लीजिएगा ऑन एक्सिस, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस लिख दीजिएगा, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। तो स्क्वायर का मतलब ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट पे इंटरसेप्ट था, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट पे इंटरसेप्ट था। तो मैं क्या करूंगा? एक्स वन वन अपॉन थ्री की पावर इंटू ए टू बाई थ्री की होल स्क्वायर प्लस वाई वन वन बाई थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू होगा, नहीं होगा? बेटा पूरे में से बेटा ए की पावर फोर बाई थ्री कॉमन आ गया, अंतर मुझे क्या मिला? एक्स वन की पावर टू बाई थ्री प्लस वाई वन की पावर टू बाई थ्री, ठीक है। अब बेटा एक बात काम की बात और समझना बेटा, मैंने आपसे कहा था कि कभी भी कोई भी पॉइंट मुझे कर्व पे दे तो बेटा मेरा पहला काम होगा कि मैं उसे कर्व में डाल दूंगा। तो बेटा जब मैं इस पॉइंट को कर्व में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक्स वन की पावर टू बाई थ्री प्लस वाई वन की पावर टू बाई थ्री मिलेगा, नहीं मिलेगा? मतलब बेटा मैं इधर जो मेरे पास एक्स वन की पावर टू बाई थ्री प्लस वाई वन की पावर टू बाई थ्री आया है, मैं चाहूँ तो इसको ए की पावर टू बाई थ्री से कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेटा मुझे क्या मिल गया? ए की पावर फोर बाई थ्री इंटू ए की पावर टू बाई थ्री, दैट इज ए की पावर फोर बाई सिक्स बाई थ्री, दैट इज ए स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? व्हेन टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल पॉइंट। बेटा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और आपके जेई के लिए भी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा समझिएगा। अगर आपकी टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पास होती है, कहाँ से पास होती है? एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ये कर्व है, कोई एक बाहर मुझे पॉइंट दे रखा है ए कॉमा बी, ठीक है, और एग्जामिनर बोल रहा है ए कॉमा बी से मेरी टेंजेंट पास हो रही है, ठीक है ना। तो बेटा इसमें आपको करना क्या है जरा आप समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा? आपको एक पॉइंट एज्यूम करना है एक्स वन कॉमा वाई वन कर्व के ऊपर, ठीक है। क्या एज्यूम करना है बेटा? पहला काम, सबसे पहले आपको पॉइंट एज्यूम करना है एक्स वन कॉमा वाई वन कर्व के ऊपर, ठीक है ना। अगला काम क्या करना है बेटा? मैंने आपको बताया था कभी भी अगर कोई पॉइंट कर्व के, अरे तो पहला काम हमारा क्या होगा? उस पॉइंट को कर्व में डाल दो। तो पहला काम हो गया, पहला काम पॉइंट अज्यूम किया, दूसरा काम पॉइंट पे वो कर्व डाला। बेटा जैसे ही मैं उस पॉइंट को कर्व में डालूंगा तो बेटा यहाँ से मुझे अपनी एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एक इक्वेशन बेटा, क्योंकि बेटा मेरे पास दो अननोन है, एक्स वन और वाई वन, बेटा मेरे पास दो अननोन है तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन तो बेटा मेरी यहाँ मिल गई, ठीक है। अब बेटा दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या करूंगा बेटा? मैं स्लोप को मैच कराऊंगा। स्लोप को, सर स्लोप को मैच कराने का मतलब क्या है जरा समझना बेटा। बेटा अगर ये लाइन मेरी टेंजेंट है बेटा, तो बेटा इसका जो स्लोप होगा ना वो क्या होगा बेटा? इसके स्लोप के बारे में बोल सकता हूँ, इसका स्लोप होगा डीवाई अपॉन डी एक्स, होगा नहीं होगा? किसके ऊपर? एट एक्स वन कॉमा वाई वन, एट एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है। ये क्या दे देगा बेटा? स्लोप ऑफ दिस टेन लाइन देखा, मतलब डीवाई अपॉन डी एक्स किस पे? एक्स वन कॉमा वाई वन पे, ठीक है। अब बेटा दूसरी बात समझना बेटा, इस लाइन का जो स्लोप है बेटा वो मैं इस डीवाई अपॉन डी एक्स के अलावा अपना सिंपल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी निकाल सकता हूँ, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से, मतलब बी माइनस वाई वन अपॉन ए माइनस एक्स वन, किससे भी बेटा इसका मेरा स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। और बेटा दोनों से मैं एक सेम लाइन का स्लोप निकाल रहा हूँ, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बेटा मैं क्या करूंगा? दोनों का स्लोप निकालूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से बेटा मेरी दूसरी इक्वेशन मिलेगी, दो इक्वेशन दो अननोन, आप उसको सॉल्व करके सिंपलीफाई कर लोगे। क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी के लिए? चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि वैसे तो मुझे पता है आप पढ़ोगे नहीं, अगर मैं 2 मिनट रुकूंगा तो ही आप पढ़ोगे। ठीक है, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, 1 मिनट में आप पढ़िए इसको। वैसे मैं एक बार बोल देता हूँ, फाइंड कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 द टेंजेंट एट विच पासिंग थ्रू ओरिजिन। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन द कर्व, हाँ जी, एक बार बेटा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है। इफ टेंजेंट एट विच, थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा आई थिंक कुछ फो पंगा है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फाइंड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द, हाँ ये कुछ ऐसे है, एट विच द टेंजेंट, एट विच बाद में आएगा, एट विच द टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन, द टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब बेटा ये है कि जो मेरा कर्व है, जो मेरा कर्व से जो इक्वेशन, ये कर्व है, कर्व से जो बेटा जो टेंजेंट निकल रही है बेटा, वो कहाँ से पास कर रही है बेटा, वो ओरिजिन से पास कर रही है, 0,0 से पास कर रही है, और बेटा जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट बना रही है, आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंस ही निकालना है। ठीक है, आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करिए अपने आप, आप सोचिए। बेटा ध्यान रखिएगा, फिगर बनाइए, फिगर बना के एनालाइज करिए। अगर मेरी टेंजेंट 0,0 से पास हो रही है, तो बेटा अगर आप ध्यान से इसको देखो तो 0,0 मेरे कर्व पे नहीं आ रहा, मतलब 0,0 जो पॉइंट है बेटा वो आउटसाइड द कर्व है। बेटा ध्यान रखिएगा, इसमें इस टाइप के क्वेश्चनों में कॉमन मिस्टेक ये भी होती है कि एग्जामिनर मुझे पॉइंट देता है और मैं उस पॉइंट को कर्व में मान के सीधे ही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर कभी भी बोले कि भैया टेंजेंट किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो बेटा ऑलवेज चेक कर लीजिए कि वो पॉइंट मेरा टेंजेंट के ऊपर है या टेंजेंट, वो सॉरी कर्व के ऊपर है या कर्व से बाहर है। ठीक है ना, अगर कर्व से ऊपर रहा तो अलग क्वेश्चन थोड़ी बनेगी, और कर्व के ऊपर रहा तो बेटा अलग थोड़ी बनेगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले बेटा फिगर एनालाइज कर लिया, पॉइंट मैंने मान लिया x1, y1, तो पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम पॉइंट मानू x1, y1, दूसरा काम पॉइंट को इक्वेशन में रख दो। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बेटा मुझे मिल गया। ठीक है, अगला काम क्या था बेटा, इस लाइन का स्लोप निकालिए दोनों तरीके से। पहला तरीका था dy अपॉन dx, तो उसको बेटा डिफरेंशिएट कर दो। अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, dy अपॉन dx, इधर बेटा मुझे क्या मिलेगा, 2x प्लस 3, किस पॉइंट पे, x1, y1 पे। तो बेटा मेरा स्लोप आ गया 2x1 प्लस 3। ठीक है, अच्छा, और दूसरा स्लोप कहाँ से मिलेगा बेटा, y1 -0 अपॉन x1 -0, तो बेटा मुझे यहाँ से मिल गया 2x1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू y -0 अपॉन x -0, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, बेटा यहाँ से मुझे बेटा दूसरे इक्वेशन मिल गए। ठीक है ना बेटा, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, दोनों में वाई वाई है, तो दोनों को इक्वेट कर दूँ, दोनों को इक्वेट कर दूँ, इक्वेट करने पर क्या मिलेगा बेटा मुझे, x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1, 3x1 3x1 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर भागा तो बेटा मुझे मिल गया x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अगर x1 बेटा मेरा +-2 आ रहा है, तो y1 कितना आ जाएगा, देखो भाई मेरा ये था x1, मेरा कितना आ गया +-2, जब बेटा मैं 2 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा ये 4 प्लस 6 प्लस 4, दैट इज 14। तो देखिए 2 के साथ क्या मिला है, 14। ठीक है, और बेटा जब मैं इसे -2 पुट करूंगा तो बेटा मेरा ये वाला माइनस हो जाएगा, तो 8 -6 दैट इज 2, तो बेटा -2 पे बेटा मुझे मिल गया 2। ठीक है ना चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन बेटा जेई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन 0,0 टू द कर्व वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट लाइन ऑन द कर्व। ठीक है बेटा, पहली बार तो जेई का क्वेश्चन है, एक मिनट आप खुद एक क्वेश्चन को सोच के एक बार फिगर बना के दिखा दीजिए, देख लीजिए एक बार खुद ही, हाँ एक बार जरा सोच के इसका इसका फिगर बना के देखिए, फिगर क्या बनेगा हमारा इसका।
चलिए बेटा, आपको मैंने 1 मिनट का टाइम दे दिया है समझने के लिए। बेटा हम कर्व की समझाते हैं, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको डाल सकते हैं। बेटा एग्जामिनर बोल रहा है कि मैंने 0,0 से y इज इक्वल टू साइन एक्स पे टेंजेंट को ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का जो भी मेरे पास जा रहा है, लाई कर्व पे लाई कर रहा है बेटा, मुझे उसका लोकस निकालना है। जरा क्वेश्चन फिगर समझिएगा कि ये मेरा सर्कल हो गया, पहली टेंजेंट अगर मैं 0 पे जुटूंगा तो पहली टेंजेंट तो ये निकल जाएगी। उसके बाद कब क्या टेंजेंट निकलेगी, एक टेंजेंट बेटा ये निकलेगी जो 0 से पास होगी और कर्व पे टेंजेंट होगी। एक टेंजेंट बेटा ये निकलेगी जो 0 से पास होगी, कर्व पे टेंजेंट होगी। एक टेंजेंट बेटा ये निकलेगी जो 0 से पास होगी और कर्व पे टेंजेंट होगी। होगी नहीं होगी, सेम बेटा इधर भी ऐसे ही होगा, एक टेंजेंट इधर एक टेंजेंट इधर। निकलेगी नहीं निकलेगी बेटा, हम आगे बढ़ते जाएंगे मेरे पास टेंजेंट ऐसी बढ़ती जाएगी, अगली टेंजेंट इधर जाएगी फिर अगली इधर इधर। ठीक है बेटा, टेंजेंट मेरी बढ़ती जाएगी। ठीक है तो बेटा एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि ये टेंजेंट जहाँ पे टच कर रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, मतलब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया इधर, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है बेटा, ये जो मेरे पास पॉइंट जा रहे हैं, ये जो मेरे पास पॉइंट जा रहे हैं, एग्जामिनर इन पॉइंट्स का बेटा लोकस मांग रहा है कि भैया इन पॉइंट्सों का लोकस क्या होगा। ठीक है तो बेटा लोकस का मतलब सबसे पहली बात तो मैं एच कॉमा की मान लूंगा, क्या मान लूंगा, एच कॉमा की। ठीक है तो पहला काम क्या होगा, मैंने पॉइंट माना। दूसरा काम, इस पॉइंट को बेटा कर्व में रखना। अगर बेटा पॉइंट को कर्व में रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, के इज इक्वल टू साइन एच। पहली इक्वेशन मेरी बन के तैयार है, के इज इक्वल टू साइन एच। ठीक है ना। अब बेटा सेकंड बात और समझना बेटा, अगर मेरा टेंजेंट 0,0 से पास हो रही है और अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो बेटा ये वाला पॉइंट कर्व के, ये जो पॉइंट है एज ए आउटसाइड ऑफ द कर्व ट्रीट करेगा, क्योंकि ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे बन रही है वो एच कोमा के है और ये पॉइंट बाहर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा मेरे पास सेम थ्योरी वही लगेगी जो यहाँ पे लगी थी। ठीक है, इसका मतलब बेटा इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, एक तरीका तो होगा के माइनस जीरो अपॉन एच माइनस जीरो से, ठीक है ना। और दूसरा तरीका होगा बेटा डीवाई अपॉन डी एक्स एट एच कॉमा के, डीवाई अपॉन डी एक्स एट एच कॉमा के। तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहला काम तो डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा बेटा, इक्वेशन क्या थी बेटा मेरे पास, इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, y is equal to sin x। बेटा डिफरेंशिएट करूंगा क्या मिलेगा बेटा, मुझे dy upon dx मिलेगा बेटा cos x को, मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ जी ठीक है। अब बेटा मुझे x की जगह क्या डालना है बेटा, मुझे x की जगह डालना था h कॉमा k, क्या डालना था h कॉमा k। ठीक है तो बेटा x की जगह अगर मैं h डालूंगा तो बेटा मुझे स्लोप कितना मिल जाएगा बेटा, मुझे स्लोप मिल जाएगा cos h, मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ जी ठीक है, ये तो बेटा क्या मिल जाए कर्व के थ्रू। दूसरा क्या था बेटा, लाइन के थ्रू y माइनस जीरो के माइनस जीरो अपॉन जीरो एच माइनस जीरो, मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा। फिर से बेटा मेरे कॉस में मल्टीप्लाई कर गया बेटा, मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा एक बात ध्यान रखिए, आपको लोकस पूछा, अगर आपको याद हो तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया था कि जब भी आपसे लोकस की बात हो और अगर वो साइन और कॉस को एक साथ लिया है तो आप क्या करोगे, साइन को अलग निकाल लो, कॉस को अलग निकाल लो और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो बेटा यहाँ पे साइन अकेला पड़ा हुआ है बट यहाँ पे कॉस अकेला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा एस से डिवाइड कर दूंगा। तो बेटा मुझे कॉस एच कितना मिल गया, के अपॉन एच इज इक्वल टू कॉस एच। अगला काम क्या होगा, स्क्वायर एंड ऐड। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा बेटा, साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच इज इक्वल टू के स्क्वायर एच प्लस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, के की जगह एक्स आ गया बेटा, के की जगह एक्स आ गया और बेटा एच की जगह बेटा मेरा क्या, सॉरी के की जगह वाई आ गया और बेटा एक्स की जगह मेरा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगला काम है एलसीएम एंड मल्टीप्लाई। तो बेटा मुझे मिल गया एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको उधर ले आया तो बेटा मुझे मिल चुका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा हम चाहे तो पूरे को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए बेटा अगली हेडिंग पे चलते हैं बेटा। अगली हेडिंग है बेटा मिनिमम एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, मिनिमम एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। देखिए बेटा, टू कर्व्स आर सेट टू बी शॉर्टेस्ट व्हेन बोथ हैव कॉमन नॉर्मल एट पैरेलल टेंजेंट। बेटा दो कर्व के ऊपर अगर मैं एक कॉमन नॉर्मल बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, कॉमन नॉर्मल बना देता हूँ, ठीक है ना, तो बेटा मैं उसे बोलूंगा, तो बेटा देखिए दो कर्व आपस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब होता है बेटा जब पहली बात तो दोनों पे बनने वाली टेंजेंट मेरी पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, और वो दोनों कॉमन नॉर्मल शेयर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कॉमन नॉर्मल शेयर कर रहे हो। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा
कि भैया दोनों कर्व के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कैसे भी समझ में आया, जब दो कर्व कॉमन पैरेलल, दो पैरेलल टेंजेंट्स के ऊपर कॉमन नॉर्मल शेयर करते हैं तो बेटा वो मेरी मिनिमम डिस्टेंस होती है। ठीक है ना? अब बेटा ध्यान रखिएगा, मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बेटा दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है? मिनिमम मैक्सिमम एक ही बात हो जाती है। समझिएगा कैसे, कि मान लो दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने फिगर ये बनाया, देखो ये दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बेटा अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस तो बेटा ऑब्वियसली बात है जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो होगी। जहां पे कट करेंगे वहां पे जीरो डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है? पर बेटा अगर कोई मुझसे पूछे मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं फिर से बेटा कॉमन टेंजेंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कॉमन टेंजेंट बनाऊंगा और कॉमन नॉर्मल बनाऊंगा। तो बेटा ये जो दूरी होगी ना बेटा, इस केस में बेटा ये मेरी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है ना? मतलब जो आपका कॉन्सेप्ट मिनिमम डिस्टेंस का था बेटा, वही कॉन्सेप्ट बेटा आपका मैक्सिमम डिस्टेंस का भी यूज होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेड्स ऑफ टू रिवर आर पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है? इफ रिवर्स आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रेट शॉर्टेस्ट कनाल, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कनाल। ठीक है ना बेटा? एग्जामिनर आपसे देखो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा, बोलना चाह रहा है बेटा। पहली बात तो बेड्स ऑफ रिवर का मतलब क्या होता है बेटा? बेटा बेड्स ऑफ रिवर का मतलब होता है नदी के किनारे। ठीक है? आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया दो नदी है जिनके जो मेरे जो उसका पाथ है जो उसके किनारे है, एक पैराबोलिक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बेटा दूसरा मेरा स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है ना? अब एग्जामिनर बोल रहा है कि दोनों नदियों को जोड़ने के लिए आपको एक कनाल बनानी है जिसकी लेंथ मेरी शॉर्टेस्ट हो। ठीक है? और आपको बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स। बेटा अब देखो एग्जामिनर आपसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ कनाल पूछ सकता है, इक्वेशन ऑफ कनाल पूछ सकता है। ठीक है ना? और क्या पूछ सकता है बेटा? लेंथ ऑफ कनाल पूछ सकता है। ठीक है? इनमें से बेटा कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है? तो बेटा सबसे पहला काम तो फिगर बनाएंगे। ठीक है? इसका फिगर क्या बनेगा? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फिगर बन गया। इसका फिगर क्या बनेगा बेटा? वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो मतलब माइनस टू से स्टार्ट होकर स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है ना? तो बेटा हमने क्या करना, शॉर्टेस्ट कनाल कब बनेगी? जब बेटा इस कर्व पे बनने वाली टेंजेंट और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, कहा था ना। तो बेटा मैं क्या करूंगा, ये इस तरह से बनेगी। और बेटा ये जो दूरी होगी, ये जो नॉर्मल मेरी जो मेरी कॉमन नॉर्मल बनने वाली है बेटा, वो मेरी क्या हो जाएगी बेटा? वो मेरी बन जाएगी बेटा, मेरी कनाल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कनाल बन जाएगी। ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा बेटा, दोनों के स्लोप को इक्वेट कर दूंगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपको दोनों कर्व का स्लोप निकाल के इक्वेट कर देना है। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? इसको लिख लीजिएगा भला, गया चाहो तो आप, डीवाई अपॉन डी एक्स ऑफ कर्व वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ कर्व टू। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है? इस मतलब इस टॉपिक के लिए सबसे मेन बात यही है कि आपको दोनों का स्लोप निकाल के इक्वेट कर देना है। ठीक है? तो बेटा इसका स्लोप क्या मिलेगा बेटा? इसका स्लोप बेटा मिलेगा मुझे 2x, और बेटा इसका स्लोप क्या मिलेगा बेटा? इसका स्लोप मुझे मिलेगा 1। तो बेटा जब मैं 2x को 1 के बराबर डालूंगा तो x मुझे कितना मिल गया बेटा? x मुझे मिल गया 1/2। ठीक है ना? अब बेटा ये कहां से मिला था? इधर से मिला था। तो बेटा x इसकी जगह बेटा मैं अगर y की जगह x की वैल्यू 1/2 डालूंगा इस इक्वेशन में, तो बेटा y मुझे कितना मिल जाएगा बेटा? 1/4 मिलेगा, नहीं मिलेगा? इसका मतलब बेटा मेरे पास जो कर्व में जो ये वाला पॉइंट था ना, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी था मेरा पैराबोला के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट कितने मिल गए बेटा? 1/2, 1/4। ठीक है? अब बेटा आपको ये कोऑर्डिनेट और निकालने पड़ेंगे, ये कोऑर्डिनेट और निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना? इसको बेटा निकालने के बेटा मेरे पास दो तरीके, एक तो फुट ऑफ नॉर्मल मतलब अगर ये इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इस लाइन के ऊपर 1.2 और 1/2 और 1/4 से अगर मैं नॉर्मल डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? फुट ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। वो क्या होगा? x माइनस 1/2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1/4 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस में माइनस वो प्लस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1² + 1². ठीक है? जब बेटा मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगा बेटा, ये पहली बात तो कितना आ गया बेटा, बेटा ये मेरे पास आ गया 7/8। कितना आ गया? 7/8। ठीक है? ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव जो नेगेटिव देगा प्लस कर देगा, तो एक्स एक्स माइनस 1/2 7/8, तो बेटा यहाँ से मेरा एक्स आ गया 11/8। ठीक है? और दूसरा इसके थ्रू बेटा मेरा वाई आ गया बेटा 5/8। ठीक है ना? मेथड तरीका वन। दूसरा तरीका क्या होगा बेटा? दूसरा तरीका बेटा ये होगा कि अगर आपको मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो बेटा आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि अगर कभी भी फुट ऑफ
नॉर्मल का आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल दो। किसकी? इस लाइन की इक्वेशन मुझे ऑलरेडी पता है एक्स, इसकी इक्वेशन क्या है बेटा, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब बेटा इस वर्टिकल लाइन की, बेटा जो ये वर्टिकल लाइन जा रही है बेटा, इसकी इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन क्या आएगी बेटा, वाई माइनस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू, बेटा इसका स्लोप कितना है वन, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, नॉर्मल है माइनस वन, याद है ना, माइनस वन अपॉन वन इंटू एक्स माइनस वन वाई टू। ठीक है, ये बेटा इस लाइन की क्वेश्चन निकल गई। ठीक है, अगर बेटा मैं इस लाइन को और इस लाइन को बेटा इंटरसेप्ट कराऊंगा बेटा, तो बेटा मुझे अपना ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इससे मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और ये वाला पॉइंट मिलते ही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। ठीक है ना, अब बेटा देखो ये जो इसकी लाइन की इक्वेशन है बेटा, वो एक तरह से मेरा इक्वेशन ऑफ कैनाल भी हो गई। तो अगर एग्जाम में आपसे इक्वेशन ऑफ कैनाल पूछे तो बेटा आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर आपसे लेंथ ऑफ कैनाल पूछे तो बेटा ये वाला पॉइंट निकल गया। आप क्या करोगे, दोनों के बीच में बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दोगे? दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, आपकी लेंथ ऑफ कैनाल निकल जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय दिस इंटरसेप्ट फॉर्म दिस। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एक्स वाई इज इक्वल टू नाइन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, अगली क्लास में आएंगे तो बेटा मैं आपको उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है ना, चलिए इसका बेटा सिंपल डेरिवेशन अगर हम बात करें बेटा, इसको निकालने के दो तरीके, इधर मैंने सिंपल डेरिवेशन दिया है क्या? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। तो क्या करोगे बेटा, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो बेटा मुझे इनके डेरिवेटिव्स को आपस में इक्वल कर देना है, या कर देना है दोनों के डेरिवेटिव्स को इक्वल कर देना है। तो बेटा अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा इसका, तो बेटा मुझे क्या मिलेगा बेटा, देखो मुझे मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी, किसका? एक्स वाई इज इक्वल टू वन का डेरिवेटिव। ठीक है, हाँ, नाइन का ये हो गया नाइन। ठीक है, दूसरा क्या था बेटा मेरे पास, दूसरा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएट कर दिया तो टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कितना दे देगा जीरो। तो बेटा मुझे यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, कितना? माइनस का एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, माइनस का नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर को बेटा माइनस का एक्स अपॉन वाई से इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, अब बेटा प्रॉब्लम क्या होगा? हाँ जी, अभी भी प्रॉब्लम क्या है बेटा कि भैया एक इक्वेशन है, दो अननोन है, रिलेशन कैसे निकालूं? ठीक है, तो बेटा जरा आप ध्यान से देखिएगा, मेरे पास इक्वेशन में क्वेश्चन क्या था, मेरे पास एक्स वाई इक्वल टू नाइन था, तो बेटा मेरे पास वाई कितना आ गया बेटा, वाई मेरा आ गया नाइन अपॉन एक्स आएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है ना, इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो मुझे दे रखा है ये वाला एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या वाई इसको माइनस नाइन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स करके लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन वाई लिख के। ठीक है बेटा, ये कितना हो जाएगा बेटा, बेटा ये मेरे पास हो जाएगा कितना, वाई कितना हो जाएगा, वाई, इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई नेगेटिव में। हाँ जी, नेगेटिव में नहीं बेटा, ये नेगेटिव और ये दोनों तरफ नेगेटिव था। हाँ जी, ये नेगेटिव कट गया बेटा मेरे पास, ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो बेटा वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो बेटा मुझे मिल गया यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा मुझे वाई मिल जाएगा प्लस माइनस एक्स। ठीक है, दो वैल्यूज मिले, इसमें से वाई इज इक्वल टू एक्स को मैं ग्रांट करूंगा। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स को मैं ग्रांट नहीं करूंगा। ठीक है, इतना बेटा मैंने आपको आज करा दिया है। ठीक है, कल बेटा इसी क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे। मैंने आपको बेसिक कराया कि मेरे पास कौन सी लाइन आएगी, कैसे कंडीशंस बनेंगे, ठीक है ना, y इज इक्वल टू x। ठीक है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, और बेटा मैं आपको एक शॉर्ट ट्रक और बताऊंगा कि हमको शॉर्ट ट्रक में ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है ना, क्योंकि बेटा एग्जामिनर बहुत ज्यादा, मतलब आप ये समझ सकते हो आईआईटी जेई के अलावा बाकी जो आपकी गुसीटी एग्जाम होता है उन्हें बेटा ये वाली फॉर्म स्टैंडर्ड बहुत बार पूछी जाती है। सर्कल और आपको सर्कल और हाइपरबोला दे दिया जाता है, इधर वैल्यूज को चेंज कर दिया जाता है, नाइन की जगह कभी थ्री, कभी टू, कभी वन, कभी फोर। ठीक है ना, और बेटा सेम क्वेश्चन आपका रिपीटेडली कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
तो हम इसके सीधे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सीधे आपको कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए अगली क्लास आपकी जो होगी जो हम इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपरली और, ठीक है। चलिए बेटा, ओके बाय, आज की क्लास इज ओवर।